तो मैं वापस आ गया एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं दी बेबी इन येल्लो। दी बेबी इन येल्लो के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है जिसका नाम है डार्क विस्पर्स। इसके अंदर बेसिकली एक नया ग्राफिक अपडेट हमें मिला है, और साथ ही में जो है जो रैबिट चैप्टर था पिकमेंस मैडनेस उसको रीमास्टर कर दिया गया है। तो चलिए उस न्यू चैप्टर को मतलब रीमास्टर चैप्टर को चेकआउट करते हैं। एक्ट टू। तो मुझे किसी का तो फोन आ रहा है। क्राउन चाइल्ड केयर के यहाँ से, मतलब मैं वहाँ पर शायद से एम्प्लॉय हूँ। हाँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओह ओह, लिटिल प्रिंस। ये देखो एलिस पिकमैन, एलिस पिकमैन का इधर कुछ चीज़ें हैं, मतलब सॉन्ग वॉन्ग। तो 10 नंबर का अपार्टमेंट, चलो अंदर। और ये हो क्या रहा है इधर? क्या भूकंप आया था या तूफान आया था जो सब कुछ इधर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है? और बच्चा शायद से यहाँ पर होगा। ये कौन फुसफुसर है? ये क्या है? ये किसकी तशरीफ है भाई? किसका सिंहासन है? और ये इसके अंदर आत्मा। मुंह पे दरवाजा बंद। शायद से भागना चाहिए यहाँ से। लगता है उस बच्चे के अंदर वापिस से भूत घुस गया। निकल लो बेटे। हैं, इसकी रुई भी निकल रही है, क्या बोलते हैं वो, बनी की रुई। ओहो, यहाँ से चलते हैं अभी। ये बनी के अंदर भूत आया, क्या अजीब बात है भाई। बच्चे के अंदर भूत आया है, वो अजीब वगैरह हरकतें कर रहा है। ये इसके अंदर भूत है, वो भाग रहा है। चल क्या रहा है इधर? मैं इधर बेबी सिटिंग करने आया हूँ या भागम भाग खेलने के लिए? मुझे यहाँ पर बुलाए क्यों? ये इसकी माँ किधर है? बच्चे की माँ कौन है भाई? ये ऐसा शैतान बच्चा, ये तो पूरा का पूरा सच्ची का शैतान है। ये देखो इधर बनी है। हाँ, ये क्या हुआ भाई? ओहो, भूकंप। अरे मैं नीचे ना गिर जाऊँ। बब, ये क्या हुआ? लिफ्ट अटक गई भैया, लिफ्ट अटक गई, इसको खोलना पड़ेगा। चलो खोल तो दिया। हैं, ये रैबिट को मेरे से ज़्यादा जल्दी है। ये रैबिट भाग रहा है आगे। किधर को गया वो रैबिट? यहाँ से शायद जाना चाहिए हमको। ओके, यहाँ से चलते। ये क्या हुआ? अबे वापस से नहीं। ए भाई, वाओ, पूरा घर का इंटीरियर ही चेंज कर डाला भाई। इधर तो उसके अलग अलग सॉन्ग्स हैं। बेसिकली एलिस पिकमैन का घर है। एलिस पिकमैन नाम का कोई वॉचर था शायद से, वॉचर या फिर कोई सिंगर, जो जिसने बेबी इन येल्लो के लिए गाना भी लिखा है। इतना बड़ा सिंगर होके चवन्नी छाप, फ्रिज में कुछ भी नहीं। वाह, टोस्टर है लेकिन टोस्ट क्या करेगा? और ये क्या है, इतना बेवड़ा था क्या? ये देखो इधर पिज्जा का सारा सामान, इधर कचरा इधर उधर फैला के रखा है। लगता है बेचारे की शादी नहीं हुई। हाय भाई, मेरे को कोई समझाएगा? अगर मान लो नल के यहाँ पर इसका सिर है और उस तरफ इसके पैर है, और ये नीचे से अगर आया है तो कहाँ घुसा होगा? नहीं सोचते, चलो जाने दो। ये इधर झाड़ी कैसे आ गई? और ये क्या, लगता है ये झाड़ के वजह से इसने आईने पे मुक्का मार दिया दर्द की वजह से। मैं इधर डार्क क्यों हो रहा हूँ? खैर, ये बच्चा उधर मटर गश्ती कर रहा, और कचरा वाला आया नहीं क्या अभी तक? कचरा इधर पूरा फैला हुआ है। बच्चे के हाथ में चाबी है, ताला में खोल नहीं सकता। फिलहाल ज़रा ये इंटीरियर ही देख लेते हैं। तो वैसे ही रिमास्टर्ड वर्जन है, तो वही चीज़ें वही सब कुछ। इसका जो कागज़ है इसको जोड़ना पड़ेगा। बेबी, ये देख लो फिर से शुरू। दूसरा कागज का टुकड़ा किधर है? ये इसकी आत्मा, इंसानों की आत्मा इसने कैद करके रखी है। चलो इधर का कुछ सॉन्ग वॉन्ग ये लगा लेते हैं। चलो
वाओ गाना मस्त है। बच्चा किधर है? इधर उधर टेलीपोर्ट मार रहा है वो, देखो चाबी लेके। इतना ही है बस, और आगे कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं यार। चलो रिकॉर्ड चेंज कर देते। अरे अरे फ्लिप नहीं करना है, इसको नीचे फेंकना पड़ेगा। ओके अब चालू करके देखते। हाँ और एक गिटार। ये थोड़ा मस्त है यार। वो दूसरा कागज का टुकड़ा इधर है, वो देखो सुन रहा है गाना। इसको गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी पैलेस पिकमैन जी, कुछ टूट गया हो तो माफ कर देना। ओके अभी इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, और जो ये है इसको बजाते हैं ये नोट। बच्चा उड़ गया। ये कौन सा सा बटन है? ये शायद से वही बटन है। मैं नाटक क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ? खैर तो यहाँ से हमको क्राउच करके आगे जाना होगा, जहाँ पर हमें वो क्या बोलते हैं वो डिस्क मिलेगी, म्यूजिक डिस्क। ओह यहाँ तक ही क्राउच करना था, उसका तो पूरा क्राउच करना था। ओहो ओह वो सामने है, इसको तोड़ू कैसे? रेंज से टूटेगा नहीं टूटेगा? अरे दया की तरह लात मार के फट्टा तोड़ दो ना, हर थोड़ा लेके तोड़ना पड़ रहा है, सब कुछ तोड़ते हैं। वैसे इसके अंदर मॉन्स्टर अभी फिलहाल आएगा कि नहीं पता नहीं, रीमास्टर्ड। अबे मेरे को हथौड़ा फेंकना नहीं था, हथौड़ा उठाना है, हथौड़ा फेंक दिया मैंने। इसको भी तोड़ो, चलो टूट गया। और ये मेरी स्पीड इतनी स्लो क्यों हो गई? ओह इधर इतना कौन सा जादू है? ओह है ये कौन सा साउंड उधर बजा भाई? अलार्म वलार्म तो लगता नहीं है, और ये अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा। अरे हाँ इधर से क्राउच करके जाना पड़ेगा। ओके अब चलते हैं और इसको वहाँ पर लगाते। भाई ये स्टीम बहुत डराती है, ऐसे टाइम पे स्टीम नहीं चलाते भाई। ओके इसको नीचे फेंकते और इसको चलाते। लो बच्चा आ गया, चाबी दे मेरे को, भागो यहाँ से। दरवाजा, अरे गलत जगह जा रहा हूँ, दरवाजा इधर है, सॉरी भूल गया। ओके वो रही सामने लिफ्ट। अब लिफ्ट से यहाँ से भागते हैं। इधर की सीढ़ियाँ तो मेरे को दिख नहीं रही हैं, लिफ्ट ही दिख रही है। वहाँ बिजली गायब आई, ये क्या रैबिट की रुई? ओके चलते हैं इस रुई का पीछा करते हुए। ये क्या है? वो उसकी रुई निकाल रहा है। ये क्या था? कैसा घूम के देखा उसने और डराया। ये दरवाजा लॉक है, कहाँ जाऊँ? हैं अरे इधर है इलेक्ट्रिकल का डोर, इलेक्ट्रिसिटी रूम। और ये इलेक्ट्रिसिटी रूम पहले से ज़्यादा अपग्रेडेड है, और दरवाजा लॉक हो चुका है। डोंट फॉरगेट लॉक इन एंड आउट, इसका मतलब क्या है? ये तो अलग से टीवी स्क्रीन बना डाला भाई। इधर वो ब्लू फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, और इस साइड पे वो पिंक फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। और ये क्या ऊपर पंखे भी है? ब्लू फ्यूज़ जहाँ तक मेरे को याद है एक फ्यूज़ तो कबड़ में मिलना चाहिए। इसके अंदर क्या है? ये अपना लॉकर का कोड है 1 और 7। और ये रॉजर का लॉकर कॉइन। अच्छा इसके अंदर फ्यूज़ ना, इसके अंदर डालना पड़ेगा, इसके अंदर फ्यूज़ है ये देखो C2 ना। ओके तो C2 दबाना पड़ेगा अभी। ये रहा C और ये 2। चलो फ्यूज़ आ गया बाहर, पिंक फ्यूज़ तो मिल चुका है, लेकिन ये ब्लू फ्यूज़ कहाँ पर है? इधर तो नहीं दिख रहा है, इस साइड भी नहीं दिख रहा है, ऊपर का कबाड़ नहीं खोल सकता मैं। फ्यूज़ कहाँ पर है वो ब्लू वाला फ्यूज़?
इसको फिलहाल यहाँ पर लगाते हैं। ओहो अच्छा, इसको खोलना पड़ेगा। एक है हेलमेट, इधर कौन सा हेलमेट चाहिए, इधर का भूकंप आता है 43। हाँ 43 17 इसका ये होगा वो मे बी कोड, ये देखो ऊपर 17 लिखा हुआ है, वही कोड है 43 17 1। अरे अरे 43, हाँ 43 1 और ये 7। अब जिनको ये चैप्टर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मेरे को ब्लू फ्यूज ढूंढने दो। ब्लू फ्यूज साला इधर ही होता था इस शेल्फ के ऊपर, वो शेल्फ का फ्यूज़ हटा दिया और ये क्या इधर इसके अंदर फ्यूज है क्या? नहीं, इसके अंदर तो खाना है, किसी का पैकेट है खाने का। Much, much, much later. वो देखो यहाँ पर है वो ब्लू फ्यूज, और मैं उसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ इधर हर जगह। ये लगा ब्लू फ्यूज है, ये बच्चे की वापस से हरकत है शुरू, ये फ्यूज लगाने नहीं देगा। जरा फिर से दिखाता हूँ क्या करेगा ये। अब मैं पिंक फ्यूज वापस से लगाने जा रहा हूँ, पहले फ्यूज को निकाल लेते हैं, ये सी और ये 2। ओके फ्यूज है, ग्लिच हो गया, सॉरी लगता है ग्लिच हो गया, फ्यूज आया ही नहीं, कहाँ पर गया, कहाँ पर है, लगता है दूर हटना पड़ेगा, वो ग्लिच हो रहा है शायद से थोड़ा सा। फिलहाल जो है ये बच्चा हमको परेशान कर रहा है, और यह वापस से कॉइन डालते हैं, C2 डाल के ज़रा साइड हट जाता हूँ ताकि फ्यूज़ बाहर आ जाए। ओके ज़रा पीछे हटता हूँ, लो आ गया फ्यूज़ बाहर। अब मैं ये पिंक वाला फ्यूज़ लगाने जाऊँगा और वही हरकत है, ये फ्यूज़ ख़राब कर रहा है, ये देख लो बच्चा फ्यूज़ ख़राब कर रहा है, मेरे को फ्यूज़ लगाने नहीं देगा ये। तो इसका सीधा इलाज है, इसको यहाँ उठाओ और इस वेंट के अंदर फेंक दो। सीधा पाताल लोक गया होगा ये, जिस हिसाब से हंस रहे हंसने की एको की आवाज आ रही है, सीधा पाताल लोक में जा चुका होगा। पाताल लोक में इसको तल के खा जाओ वहां के शैतानों नहीं ये तो उल्टा उनको खा जाएगा। ओके तो अब यहाँ से निकलते हैं फिर भी लॉक। अबे अब क्यों लॉक है, मैंने तो दोनों फ्यूज लगा दिए, दोनों फ्यूज लगाने होते ना। अच्छा लीवर ऑन करना भूल गया मैं, लीवर को ऑन करते हैं। ओके एक सेकंड, बच्चा ये देखो बच्चे की शक्ल, वैसे लीवर तो अपने एलिवेटर तो एक्टिवेट हो चुका है और ये वापस से हरकत। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक नहीं बना डाला भूत को, ये भूत कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो चुका है रे बाबा। ओहो बच्चा और यू विल रिग्रेट दैट है? मैं क्यों रिग्रेट करने लग गया, तू खाने आ रहा है मेरे को। ओहो दो पैरों पे चल रहा बच्चा, दो पैरों से जल्दी इवॉल्व भी हो गया। पहले इसका जंप स्केयर खा के देखते हैं, बड़ा रियलिस्टिक तो है, जानबूझ के गया मैं उसका जंप स्केयर खाने के लिए। बनी भाग चुका है, अब मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा और दरवाज़ा बंद। अरे 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 सॉरी मैं भूल गया, इसका अंदर ये लगाना होता है ना चाबी, लगाओ। मैं ये 2-4 दिनों से खेला नहीं ना, मैं इसलिए मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। और ये वापस से ताले कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सी चाबी, मैं तो ताला ही देखना भूल गया सॉरी। अच्छा क्या बोलते हो, ग्रीन डायमंड है, ग्रीन डायमंड और रेड प्लस किधर है, रेड प्लस अरे बापरे भाई वो मेरे को पकड़ भी लिया उसने। फिर से कोशिश करते हैं, भागो। ओके ये लगाई मैंने पीली चाबी, अब मेरे को ग्रीन डायमंड और रेड प्लस चाहिए मेरे को, ग्रीन डायमंड वाली चाबी। इतनी सारी चाबी है, ये रही ग्रीन डायमंड, रेड प्लस ये रही रेड वाली। अब यहाँ से और भागो, अबे तेरी कहाँ क्या पीछे आ गया भाई ये, यहाँ से आगे भागो, ये दरवाजा खुलता है, चलो खुल गया, नीचे ही तक का रास्ता। ओहो ओहो बनी बनी के पीछे चलो, बनी के पीछे चलो, अबे तेरी, अरे नहीं जल्दी चलो चालू करो, अब बच्चा आ रहा है। ओ बच गए, वो बनी भी मेरे से तरह डरा सहमा है भाई।
बनी को पकड़ के क्या उसकी रुई खींच रहा था वो? बाप रे, पूरा शैतान बन चुका। अब यहाँ से चलते हैं एग्जिट। शायद से अब मैं बच चुका हूँ, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आए, अबे ये क्या है? मेरे को पता है ये क्या होगा। ये मिरर वर्ल्ड है, यहाँ पे सब कुछ रिपीट होता रहता है। मुझे शायद से दरवाजा खोलना है। तो ये जाऊँ कहाँ पर? ये तो लॉक्ड है। एलिवेटर से चल के देखते हैं क्या होता है। पहले तो इधर एलिवेटर नहीं होता, एक्चुअल में उसकी चाबी होती थी। वो चाबी से ये क्या हो गया? ओ भाई, ये तो पूरे डेविल फॉर्म में आ चुका है भाई। ओ क्या डरावना साउंड है। इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। ओ भाई, इसकी आंखें देख लो भाई, खूनी पीली आंखें, खूनी लाल तू बोल नहीं सकता क्योंकि ये बेबी इन येल्लो है। सब कुछ येल्लो है इसका, इसका सब कुछ येल्लो है। ये बेबी सेटिंग का टॉवर और घर का इंटीरियर भी चेंज कर दिया इन लोगों ने। और ग्राफिक्स क्या ही है भाई, क्या ही खतरनाक ग्राफिक्स है। फ्रिज पूरा खाली। अरे वो चाबी किधर गई भाई? ओ ये तो रूम खुला है। अच्छा ये रही चाबी। ओ अच्छा ओके, अब यहाँ से निकल सकता हूँ मैं। तो ये रही चाबी। अभी तेरी इसने डोर लॉक कर डाला भाई, मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकता। और ये देखो उसने लॉक लगा के रखा है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। इसकी चाबी इधर आसपास तो नहीं है, जहाँ तक मेरे को याद है इसकी चाबी टूटी फूटी पड़ी है उधर। तो शायद से वापस से लिफ्ट में जाना पड़ेगा मेरे को। वापस से लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? वापस से लाइटिंग में जा रही है क्या? ओके ये लो, ये वापस से वही वर्ल्ड चालू हो गया। और यहाँ पर अभी चाबी टूटी फूटी नहीं है, लेकिन वो ऊपर का कमरा लॉक नहीं है। ओके लॉक नहीं है। और यहाँ पर ये उसके टेंटिकल्स भी नहीं है। तो अब इसको खोलो और यहाँ से आगे बढ़ो। आगे ऊपर जाना है क्या? अच्छा ऊपर जाना है मेरे को। ओके कौन सा रूम है इतना ऊपर? कैसा रूम है भाई, कैसा बिल्डिंग बनाया भाई, किसने बिल्डिंग बनाया? बाप रे क्या था? ओ हाँ ये वही मिरर रिपीटेड वर्ल्ड, इसमें सब कुछ रिपीट होता है। अगर गलती करी तो वापस से यही पर आना पड़ेगा तुमको, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी नोन, ऑलरेडी डन। बच्चे को मेरे को उठाना नहीं है, सीधा निकल जाना है। ढपा, बच्चे की फायरिंग शुरू। ये फिर से फायरिंग। इस रूम को खोलो और ये उल्टा सुल्टा रूम। ओहो ओहो, मेरे मुंह पर ही फेंक दो ना सीधा। और ये रहा यह, अरे इधर भी डॉल है, इसको भी खोल देते हैं। ओके खैर, अब यहाँ से चलते हैं आगे। वापस से वही कॉरिडोर, वापस से वही चीज़ें। बस अब की बार टीवी आ गया। टीवी में मेरे को नहीं देखना है, वरना ख़त्म है अपना गेम, ख़त्म है इधर। अगर टीवी में देखूंगा तो नीचे पूरा फ्लोर ही टीवी का बना के रख दिया है। अबे इधर से भी नहीं जा सकता। हट हट, मेरे को टीवी नहीं देखने का है। रोना बंद कर। तू मेरे को रुला रहा है और रो खुद रहा है। वाह, ये देखो हाँ, खुद मेरे को रुला रहा है और खुद रो रहा है। पहले डिसाइड कर ले तेरे को रोना है हंसना है। टीवी का बच्चा ख़त्म, अब गुस्से वाला बच्चा शुरू। ये देखो ये गायब हो गया। अब चलो यहाँ से आगे। ओ, ओ, ओ ये कॉरिडोर इतना टेढ़ा क्यों हो गया रे बाबा? ये पूरा मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई या कॉरिडोर पूरा टेढ़ा हो चुका है भाई? ओहो, ये कैसा सा कॉरिडोर है? अरे बाप रे, ये तो पूरा उल्टा हो गया। मैं यहाँ से आगे, एक मिनट, आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई मैं। वो कह रहा है अच्छा अच्छा, मेरे को साइड से जाना पड़ेगा। रुको जरा, इधर से साइड से जाते हैं। चलो आ बेहतरी। अरे तेरे में तो नीचे गिर गया।
ओके, मैं वापस से नीचे गिर चुका हूँ और मैं एक आप ये तो वो स्टोरी है ना, एक मिनट, जहाँ तक मेरे को याद है वो स्टोरी है ये कुछ है। ये क्या है, ड्राइंग नीचे गिर गई। ये करेक्टर अभी तक देखा नहीं ना, ऐसा भूत वाला करेक्टर, ये जो इसमें डॉल दिखाई गई है। दरवाजा बंद। अबे ये जगह इधर नहीं थी। ओहो, यहाँ से कहाँ जाने आए, फिर से वो दरवाजा। ओ तो ये देखो, इधर स्टोरी सुना रहा है अपने को। मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ वही है, मैं जो तीन नाइट में स्टोरी सुनाता हूँ ना, ये वही स्टोरी है। शिप वाला ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है। इधर खिलौने पड़े हुए हैं, जाना किधर है? तो पूरी भूल भुलैया है भाई। इतना घूमने के बाद पता चला मुझे वहाँ पर नहीं, इस रूम को खोल के जाना है। ओके, ये दरवाज़ा किसने तोड़ दिया? और ये उसकी आईज, आईज है कि क्या है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, और मेरी स्पीड क्यों हो गई जानी? ओ ओ बाप रे, ये तुम मेरे मुंह पे कूद रहा, हट बे तेरी ऐसी की तैसी। तेरे को मैं ऊपर नहीं सुनाऊंगा, तेरे को बेड पे नहीं सुनाऊंगा, मैं पहले इस आत्मा को आजाद कर देता हूँ। तेरे को सीधा नीचे फेंकने वाला हूँ मैं। गया, ये क्या रहा है? ओह, इधर टेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, इधर कुछ बच्चे के, उस शैतान के टेंटिकल्स। और ये क्या ब्रिज आ रहा है? ब्रिज आ गया, वो बनी भी वेट कर रहा है। भागो यहाँ से, भागो, बनी के पीछे पीछे जाना पड़ेगा अभी। ओहो हो, बनी भी राइट साइड है। वो तो डॉक्टर है ना, सिंबल, स्ट्रेंज सिंबल। अरे ये तो वही है, निकोलस आर्कहम, डॉक्टर की डॉल भी है। हाँ, उसी ने बनाई थी। अच्छा, मेरे को इनमें से वो दरवाजा, सही दरवाजा चुनना है। तो ये रहा सिंबल और ये रहा वो दरवाजा। गलत दरवाजा चुनूंगा तो क्या होगा पता नहीं भाई। ओहो, वापस से खोलो ये दरवाजा। अबे बाप रे, भागो यहाँ से, ये वो सामने से आ गया। लेकिन अब कहाँ जाना है उसके, इसमें तो कुछ अलग था, इसमें तो थोड़ा कुछ अलग है। अबे तेरी, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सामने से आ गया, ये तो सामने से ही आ गया। लगता है मुझे वापस से पीछे मुड़ना पड़ेगा। फिर से वही कहानी, जल्दी आ जाओ जानी, भागो। वो एग्जिट से ही आ गया। अब जो है यहाँ से आगे से आएगा वो दरवाज़ा बंद, यहाँ से नहीं जा सकता मैं। ये वहाँ से आगे से आ रहा है, वापस से पीछे भागो 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 भागो। कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा मैं। अबे अटक गया। अच्छा, ये सिंबल, ये कोई तो मदद कर रहा है मेरी। ओहो ओहो, ये मैं स्ट्राइक, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा, सूझ भी नहीं आ रहा मेरे को, मैं बस भागने जानता हूँ, भाग रहा हूँ मैं। बपरे क्या ही करी। ये क्या है? ओहो, सही दरवाजा चुनना पड़ेगा मेरे को तुरंत। हाँ, यही था वो दरवाजा, घुसो अंदर। क्या खतरनाक चिल्ला रहा है वो, पीछे आ ही रहा होगा, सीधा वेंट में घुस जाते हैं। बच गया, शायद से बच गया। वेंट तोड़ते हुए सीधा नीचे। ओके, मेरी हाइट छोटी हो गई या बच्चा बड़ा हो गया? भागो, ये बच्चा तो दो पैरों पे चल रहा है, भागो। एक मिनट, सब कुछ इतना बड़ा। अच्छा, मैं लगता है कोई डॉल बन चुका हूँ अभी, उसने मेरे को डॉल बना दिया लगता है। बाप रे, ओ भाई, ये क्या था? ओ, बच्चा पीछे दौड़ रहा है, और मेरी स्पीड भी देख लो क्या है, मैं क्या बन चुका हूँ। ट्रेन आ रही है। अबे तेरी, कहाँ से जाना है? यहाँ से, चलो चलो चलो। दूध की बोतलें, भागो 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 भागो। ये रहा एग्जिट, खोलो और निकलो यहाँ से।
शायद से बच गया, लेकिन नहीं बचा हूँ मैं। उसने मेरे को कैद कर लिया डॉल बना के। अब मैं डॉल बन के उसके यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर इसका नया चैप्टर और आया तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।